हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस वेलकम बैक न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ओनली स्कार गन का चैलेंज। और गाइस जो है ना, इसमें जो है हम लोगों को एडम के साथ नहीं खेलेंगे, हम कैरेक्टर जो है चेंज करेंगे। और ये भाई हर बार के चैलेंज कितना कस्टम में होने वाला था। चलो फटाफट से जो है मैं कस्टम को क्रिएट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अपना कस्टम जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ से चलो अभी गेम को जो है स्टार्ट करते हैं और फिर जो है ना गेम में सीधा चलते हैं। और भाई हमेशा की तरह ये भी अपना जो होने वाला है वो 7 राउंड का होने वाला है, यानी कि जो भी बंदा पहले 4 राउंड जीतता है वो इस गेम को बुया कर लेगा। तो अभी हम लोग भी भाई बुया करने की ट्राई करेंगे और देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। बेसिकली हमने जो है थोड़ा ट्राई करेंगे। तो फटाफट से जो अभी गेम को लगने दो और फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है, क्या सीन रहता है। एंड अभी जो अपना गेम स्टार्ट हो चुका है तो भाई यहाँ पे सिर्फ स्कार गन ही है, क्योंकि स्कार गन का ही चैलेंज है। लेकिन ना गाइस यहाँ पे ये जो है ना प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं जेट पैक तो नहीं खरीद पाया। कोई बात नहीं, स्कार से ही ट्राई करेंगे। और गाइस देखते हैं कि क्या शुरू के राउंड में हमको जो है पहला राउंड ये जीतने के लिए मिलेगा। क्या ये पहला राउंड हम लोग निकाल सकते हैं? देखा है, मुँह पे ही लग गया सीधा आगे गुलवन। भाई मुँह पे लगता है ना ये, बड़ा बुरा लगता है एकदम से पास में आके पे लग जाएगा। ओके बंदा बंदा बंदा, भाई साहब बच गए यार। भाई यार सही टाइम पे गुलवन लग गए भाई, वरना अगर आज गुलवन ने धोखा दिया होता ना फिर हमारा काम तमाम ही था। बट कोई बात नहीं, और पता नहीं गुलवन ने अच्छा किया या फिर हमने ही बंदे को पहले ही मार दिया, कुछ पता नहीं। लेकिन अभी हमको मिल चुका है जेट पैक शू, तो यानी कि हम लोग अभी उड़ सकते हैं, ठीक है ना। और उड़ते उड़ते जो है ना मारने का मजा ही कुछ और है। तो चलो ये फटाखे इसका खुलने का वेट करते हैं और फिर घर के बाहर जाकर जो उड़ने उड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं बंदा अपना कहाँ पे है। अरे भाई जल्दी से खुल जा, चलो चलो भाई। तो यहाँ पे इसी के साथ में हम लोग निकल चुके हैं और अभी यहाँ से करेंगे उड़ना स्टार्ट। तो चलो उड़ गए ये देखो। और बंदा कहाँ है भाई, बंदा नहीं उड़ा क्या? हमें सिर्फ यार एक तो ना हम ही खाली उड़ते हैं यार, वो सामने वाला बंदा उड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों कहीं चेत रहा। चलो जी चलो, रुको भाई रुको जा यार, क्यों घुस गया भाई, अंदर चला गया वो। अभी ना हमको नीचे पे उतरना पड़ेगा, एक यहाँ पे ड्रॉप आ गया तो जो है मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। भाई इस गो जो है ना ये जेट पैक शू को नीचे पे लेके आना भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है यार। ये ऊपर बड़ा इजीली चला जाता है, नीचे लाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो मेरे पास में स्काइलर, तो इसलिए मैं फालतू का ग्लोबल लगा के जो है अपना HP बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि भाई यार इसलिए जो है ना भाई कस्टम मैच में जो है ना, अगर अनलिमिटेड वाला आप कस्टम खेल रहे हैं ना, तो इसमें स्काइलर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलो इसके साथ हम लोग जो है ये वाला राउंड भी जीत गए हैं। और भाई मैं बोल रहा था कि अगर आप फिर अनलिमिटेड वाला खेल रहे हो ना तो फिर स्काइलर इसलिए जरूरी, क्योंकि भाई देखो एक तो ये 5 ग्लोअल एक साथ में तोड़ सकता है। तो अगर जो है ना आपने बंदे को डैमेज दिया हुआ है और वो ग्लोअल लगाया तो फिर आप स्काइलर मार के ग्लोअल भी उसका तोड़ सकते हो और आप उसको किल भी कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हम 3 ग्लोअल लगाते हैं ना गाइस, तो फिर हमको मिल जाता है HP, मतलब कि थोड़ा सा HP हमको बूस्ट मिलता है। और वैसे कर करके हम जितनी बार 3-3 ग्लोअल लगाते जाएंगे उतना उतना हमको जो है HP मिलता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात है मेरे नज़रिए तो, ये तो अच्छी चीज़ हो रही है। तो ओके अभी चलो अभी तीसरा राउंड देखते हैं क्या गाइज वो बंदा कम बैक करेगा या फिर हम लोग ही जीत जाएंगे। यार क्या लगता है आप लोगों को बताओ, क्या हम लोग बैक टू बैक ही 0-4 होगा क्या भाई, 0-4 होगा क्या इस राउंड में? भाई एक तो ना मेरे को इस बार ये बंदा दिख ही नहीं रहा, कहाँ पे गया है ये बंदा, गया कहाँ पे? हेलो यार कहीं पे तो दिखो भाई साहब, ये दिखते ही नहीं है भाई, ये क्या हो गया? मतलब ये बताओ अभी ये क्या मिस्टर इंडिया बन गया, दिख ही नहीं रहा मेरे को, ये पता नहीं क्या हो गया भाई, ये मिस्टर इंडिया बन गया क्या? हेलो सर जी बाहर आ जाओ यार। मतलब यार यहाँ पे देखो फायर वायर कर रहे हैं हम लोग, की बंदा जो है हमको मारे और हमको देखे, हमने अपना लोकेशन दे रहे हैं हम उस बंदे को, बट बंदा हमको दिख ही नहीं रहा भाई यार, ये क्या सीन हो रहा है मतलब। ओके चलो अभी तो यार इधर पे कहीं पे है वो कि नहीं भाई साहब, इधर पे कहीं पे भी नहीं है। और जोन अपना जो है करीब आ रहा है अपने, आ जा भाई जोन से मिल के ही चलेंगे। ओके जोन को आने दो, फिर जोन से जो है मिल के चलेंगे। और ओके चलो यार जोन आ गया, तो अभी यहाँ से उड़ लेते हैं और फिर देखते हैं बंदा है कहाँ पे, आखिरकार है कहाँ बंदा। बंदा यहाँ पे अपने को उतरना पड़ेगा इस छत के ऊपर आई थिंक। चलो उतर लेते हैं भाई, छत के ऊपर उतर ही जाते हैं, सही रहेगा अपने लिए, सही रहेगा। ओके उतर गए। और भाई बंदा ने मारा मारा यार, मारा तो है कहाँ पे, है ओके सामने पे रहा बंदा। और भाई यार मेरा एम ही नहीं जा रहा उस बंदे पे, बताओ मैं क्या करूँ, अगर मेरा एम नहीं जा रहा है तो फिर मैं क्या करूँ यार, ये क्या सीन है भाई। और भाई रुकना यार रुकना, अरे यार इतना भाई ये रैंडम बंदों के साथ में खेल। ओ भाई साहब गिरा, ओ भाई यार तगड़ा वाला डैमेज लगा है भाई। अभी जो है ना यहाँ पे तो भाई सुपर मेडिकिट है अपने पास में, तो ये लगा लेते हैं, काम की चीज रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बंदा आया और बंदे का काम तमाम। तो इसी के साथ में गाइस हम लोग तीसरा राउंड भी जीत चुके हैं। यार ये क्या सच में 0-4 होगा भाई? अगर 0-4 होगा ना तो भाई सभी बंदे जो है ना लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई,
यार अगर 0-4 हुआ ना तो भाई कर दो यार, इतना तो करना बनता है। तो चलो यहाँ पे जेट पैक शो वगैरह सारी चीजें जो भी चीजें हमको जरूरी होती है गेम के लिए वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर परचेस कर लेते हैं और फिर निकलते हैं भाई, ये खुलने का वेट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। दो दो स्कार मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास में कॉइन ज्यादा पड़े थे, तो मैंने सोचा ये भाई देखो इस राउंड के बाद में वैसे भी ये कॉइन सारे वेस्ट हो जाएंगे तो जो है पहले ही यूज कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से उड़ते हैं फिर, अगर निकलने तो दे, ये क्या है मतलब ऐसे ही पता कर दोगे। और बंदा 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 कहाँ गया, ये बंदा मंदा है क्या सामने प्यारा? ओके ओके रुक जा रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा। इसी के साथ मैं अपना चुका पे बोया। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।